बात बच्चों को तर वेकेशन के लिए क्लास के आपका स्वागत है बंधन हम बात कर रहे हैं कि सर हाईकोर्ट की यदि उच्च न्यायालय की तो उच्च न्यायालय में हमने न्यायाधीशों की नियुक्ति इसमें हमने देखा न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है लेकिन परामर्श किसका लेता है राज्यपाल का लेता है और सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श के अनुसार हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करता है उसके साथ साथ मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति हो जाती है हाईकोर्ट के उसके बाद मुख्य न्यायाधीश की सलाह और परामर्श के साथ हाई कोर्ट के सॉरी सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की सलाह से आगे न्यायाधीश की नियुक्ति करता है। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे न्यायाधीशों का कार्यकाल। देखिए संविधान संविधान के अनुच्छेद 217 एक के अनुसार न्यायाधीशों का कार्य काल कार्यकाल 62 वर्ष का होगा। 62 वर्ष का होगा यानी 62 वर्ष तक यानी 62 वर्ष का कार्यकाल 62 वर्ष तक होगा। संविधान के अनुच्छेद 217(1) में न्यायाधीशों का जो कार्यकाल होता है क्या है 30 से 62 वर्ष की आयु तक हाईकोर्ट का न्यायाधीश काम कर सकता है। ठीक है, अगला जो आता है वो आता है पद से हटाना, पद से हटाना। न्यायाधीशों को पद से हटाना, अब देखो कैसे हटाते हैं। संसद के दोनों सदनों के दो तिहाई बहुमत से प्रस्ताव पास कर न्यायाधीशों को हटाया जा सकता है। ठीक है, या फिर कदाचार के आधार पर भी इनको हटाया जा सकता है, कदाचार के आधार पर भी इनको हटाया जा सकता है, कदाचार शाविक कदाचार के आधार पर, इसके आधार पर शाविक कदाचार के आधार पर भी इनको हटाया जा सकता है, शाविक कदाचार, या फिर वो स्वयं भी अपने पद से इस्तीफा दे सकते हैं, लेकिन इस्तीफा किसको देंगे, इसको देंगे राज्यपाल को देंगे हाईकोर्ट के जज। ठीक है, तो न्यायाधीशों को पद से हटाने संसद के दोनों सदनों के द्वारा हटाया जा सकता है, इसके द्वारा न्यायाधीशों द्वारा संभव। अगला आता है न्यायाधीशों द्वारा शपथ, न्यायाधीशों द्वारा शपथ, देखो न्यायाधीशों जो है वो शपथ अनुच्छेद 219 में वर्णित है कि उच्च न्यायालय
से आए हैं कि न्याय दिशों को राज्य के राज्यपाल राज्य के राज्यपाल द्वारा शपथ दिलाई जाएगी। ठीक है, शपथ कौन दिलाएगा? जो हाईकोर्ट के न्यायाधीश है उनको शपथ राज्यपाल के द्वारा दिलाई जाएगी, उस राज्य के राज्यपाल के द्वारा दिलाई जाती है। ठीक है, कौन दिलाता है? उस राज्य का राज्यपाल शपथ दिलाता है। किस बिल के तहत? अनुच्छेद 219 में वर्णित है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को जो शपथ होगी राज्य के राज्यपाल द्वारा शपथ दिलाई जाएगी। ठीक है, राज्य के उसके द्वारा न्यायाधीश। अगला आता है न्यायाधीशों का स्थानांतरण, स्थानांतरण यानी ट्रांसफर, न्यायाधीशों का उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का स्थानांतरण यानी ट्रांसफर, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का स्थानांतरण, क्या स्थानांतरण? स्थानांतरण स्थानांतरण। आप देखिए कैसे होता है इसका स्थानांतरण। स्थानांतरण स्थानांतरण संविधान अनुच्छेद 222, अनुच्छेद कितने? 222 222 में वर्णित है उच्च न्यायालय उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का स्थानांतरण राष्ट्रपति के द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की सलाह या परामर्श सलाह या परामर्श से करेगा। ये हुआ कि देखो ट्रांसफर तो होता है, ट्रांसफर कर दिया जाता है न्यायाधीशों का, लेकिन ट्रांसफर राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। सलाह किसकी लेता है? किसकी लेता है? सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की। परामर्श से न्यायाधीशों को क्या करता है? लाभान्वित करता है, ट्रांसफर करता है, न्यायाधीशों को का ट्रांसफर करता है। अनुच्छेद 222 में ये कहा गया है कि न्यायाधीशों का स्थानांतरण राष्ट्रपति के द्वारा एक राज्य से दूसरे राज्य में किया जा सकता है। किसके द्वारा? राष्ट्रपति के
द्वारा एक राज्य से दूसरे राज्य में किया जा सकता है। ठीक है, अनुच्छेद 222 कहता है स्टार्ट होगा तो आपसे कोई पूछेंगे क्या किसों का ट्रांसपोर्ट करता है, आप बताओगे क्या किसों का ट्रांसपोर्ट करता है, राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। अब आता है न्याय 200, न्याय 200 का वेतन। देखो न्यायाधीशों का जो वेतन है इसका विवरण अनुच्छेद 221 में किया गया है। अनुच्छेद 221 के अनुसार न्याय के अनुसार न्याय 200 का वेतन संसद के द्वारा विधि बना कर निश्चित करेगी। ठीक है, देखो न्यायाधीशों का जो वेतन है अनुच्छेद 221 के अनुसार न्यायाधीशों का वेतन संसद के द्वारा विधि बनाकर निश्चित किया जाता है, करेगी। ठीक है, विधि के द्वारा निश्चित करेगी। वर्तमान में यदि हम बात करते हैं आपकी पाठ्य पुस्तक के अनुसार वर्तमान में क्या कक्षा 10 की पाठ्य पुस्तक के अनुसार वर्तमान में न्यायाधीशों को मुख्य न्यायाधीश को 90,000 इतने 90,000 आपकी पाठ्य पुस्तक के अनुसार 90,000 और अन्य न्यायाधीशों को 80,000 मासिक वेतन दिया जाता। ठीक है, देखो संसद के द्वारा विधि बना करके न्यायाधीशों का वेतन फिक्स किया जाता है। अर्थात वर्तमान में 90,000 न्यायाधीश को और आपके कक्षा 10 की पाठ्य पुस्तक के अनुसार 90,000 और अन्य न्यायाधीशों को 80,000 के रूप में दिया जाता है। क्या दिया जाता है? वेतन के रूप में दिया जाता है। ये न्यायाधीशों और मुख्य न्यायाधीशों का वेतन हो गया। इसके तहत होता है अनुच्छेद 221 और 222 स्थानांतरण बताना। ठीक है, अगला जो होता है वो आता है उच्च न्यायालय की स्वतंत्रता। उच्च न्यायालय की स्वतंत्रता भाई उच्च न्यायालय निष्पक्ष अपना फैसला सुना सके इसलिए उसे कई सारे अधिकार दिए गए हैं और
हमारे संविधान के द्वारा हाई कोर्ट को कुछ अधिकार दिए गए जिनके तहत वो स्वतंत्र है। सबसे पहले जो आता है वो आता है नियुक्ति के लिए विशेष प्रक्रिया होती है, उच्च न्यायालय की स्वतंत्रता के लिए निम्न व्यवस्थाएं की गई है और उच्च न्यायालय की स्वतंत्रता के लिए निम्न व्यवस्था की गई है, की गई है, ठीक है, निम्न व्यवस्था की गई है जिसमें जिसमें पहली है नियुक्ति में विशेष प्रक्रिया, नियुक्ति में विशेष प्रक्रिया क्या, नियुक्ति में नंबर एक न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए विशेष प्रक्रिया, न्यायाधीशों की नियुक्ति में विशेष प्रक्रिया, ठीक है, निश्चित कार्यकाल नंबर दो, निश्चित कार्यकाल कितना होता है 62 वर्ष तक, निश्चित कार्यकाल 2-3 सॉरी संसद के द्वारा महाभियोग, संसद के द्वारा महाभियोग में ही चर्चा इसके बाद नहीं, महाभियोग में इनके खिलाफ कुछ कर सकते हैं उसके बाद नहीं होती है, संसद के द्वारा महाभियोग में ही सॉरी न्यायाधीशों के आचरण पर ये आचरण पर संसद के द्वारा महाभियोग में ही चर्चा इसमें न्यायाधीशों के आचरण पर, इससे पहले में महाभियोग लगाया जा रहा है तो थोड़ी चर्चा कर सकते हैं बाकी नहीं। अगला अगली जो आती है वो आती है इसको देख लेंगे उसके बाद बता देंगे, न्यायाधीशों के अवकाश ग्रहण करने के बाद निजी प्रैक्टिस पर वो
ठीक है, न्यायाधीशों के अवकाश ग्रहण करने के बाद निजी प्रैक्टिस पर रोक। अगला जो आता है कार्यपालिका से संबंधित कार्य, हो गया चार, हो गया पांच, कार्य पालिका से पृथक्करण, ये सारी बातें स्वतंत्रता को बनाए रखती है। देखो उनके आचरण, पहला कार्य है उन्होंने कि न्यायाधीशों के जो आचरण पर यदि चर्चा करेंगे तो केवल संसद में महाभियोग के समय में ही करेंगे, उसके बाद उनके आचरण से संबंधित कोई चर्चा नहीं करेंगे, ठीक है। नंबर दो, निश्चित कार्यकाल होगा नियुक्ति के 62 वर्ष तक की आयु तक न्यायाधीश अपने पद पर कार्य करता रहेगा, नियुक्ति जो भी है 5 साल में हो रही है 5 साल में जाता है 62 वर्ष तक कार्य करेगा। इनका जो वेतन दिया जाता है वो संचित निधि से दिया जाता है, संचित निधि से दिया जाता है। इनका वेतन समय समय पर संसद के द्वारा निर्धारित किया जाता है। अवकाश ग्रहण करने के बाद ये निजी प्रैक्टिस नहीं कर सकते कि कहीं भी जाकर के एडवोकेट का कार्य करें, ऐसे भी इन पर प्रतिबंध है, ठीक है। अगला, कार्यपालिका से पृथक्करण कर दिया गया है, कार्यपालिका अपनी जगह कार्य करेगी और न्यायपालिका अपनी जगह कार्य करेगी। इस तरीके से जो न्यायपालिका है उसकी स्वतंत्रता को बनाए रखने के लिए हमारे यहाँ स्वतंत्रता प्रदान की गई है। क्या प्रदान की गई है? स्वतंत्रता प्रदान की गई है। ये सारी हमने देखा कुछ न्यायिक स्वतंत्रता के लिए ये चीजें हमने देखी, यही नहीं हमने अनुच्छेद 222 के तहत स्थानांतरण देखा, एक न्यायाधीश का दूसरे न्यायालय में स्थानांतरण कर दिया जाता है, लेकिन करता कौन है? राष्ट्रपति तो करता है, किसकी सलाह से करता है? मुख्य न्यायाधीश की सलाह से करता है। अनुच्छेद 221 में क्या था? अनुच्छेद 221 के तहत कह दिया गया कि अनुच्छेद वेतन जो होगा वो समय समय के समय वेतन होता है, जो से 20 अनुच्छेद में कहा गया है कि न्यायाधीश और मुख्य न्यायाधीशों का वेतन संसद के द्वारा समय समय पर निश्चित किया जाएगा और कक्षा 10 की जो पाठ्यपुस्तक है जिनके सिलेबस में लिखा हुआ है वो 90,000-80,000 वेतन बताया जा रहा है, मुख्य न्यायाधीश का वेतन 90,000 और अन्य न्यायाधीशों का वेतन 80,000। इस तरीके से उसकी स्वतंत्रता देखा। उसके बाद हमने देखा कि भाई न्यायपालिका को स्वतंत्र कैसे बनाया जा सकता है, पृथक्करण कर दिया गया है, कार्यपालिका से वेतन निश्चित कर दिया, संचित निधि से वेतन दिया जाएगा, साथ साथ निजी प्रैक्टिस पर रोक लगा दी गई कि कोई मजिस्ट्रेट अवकाश ग्रहण करने के बाद कहीं भी वकालत नहीं करेगा। इस तरीके से ये सुनिश्चित कर दिया गया संविधानविदों ने, संविधान निर्माताओं ने, स्वतंत्र न्यायपालिका को स्वतंत्र होना चाहिए, निष्पक्ष और स्वतंत्र होना चाहिए, तभी जाकर के लोगों को उचित न्याय दिला सकती है। तो इस तरीके से जुड़े रहिए, कल अगले आने वाली वीडियो में हम पढ़ेंगे क्या अधिकार होता है सर्वोच्च न्यायालय का, सॉरी उच्च न्यायालय का। तो देखते रहिए हमारे पोर्टल को, एजुकेशन के यूट्यूब चैनल को, बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।